मु डॉक्टर शुभश्री कर प्रोफेसर बावरीबंधुंकर झियो आज आम बापा द्वितीय श्राद्धवार्षिकी समारोह आयोजन करियोछु। बापा ओडिया साहित्य गवेषणा निमन्ते बहुत किछि काम करूथुले। वर्तमान बापा तांकर रिटायरमेंट परे ओडिया साहित्य संस्कृति गवेषणा प्रतिष्ठान एस्टाब्लिश करी सेही माध्यमरे बहुत गवेषणा करिया पई चाहूथुले। से बहुत सेमिनार आयोजन करूथुले ओडिया साहित्य भाषा साहित्य किपरि उन्नति हेबो से विषय रे बहुत किछि करबा को चाहूथुले। आउ एही फंक्शन आम आर वर्ष प्रथम प्रथम श्राद्धवार्षिकी करूँ। बहुत दूरदूरातर कलिकतार आरंभ कर कोरापुट मलकानगिरी आरंभ कर ब्रह्मपुर कदला गंजाम आरंभ कर छात्र मैंने आसी पहुँचे बहुत खुशी से यहाँ आयोजन करने को आयोजन करूँ। मो ना है सुभाशिष कर मु प्रोफेसर बावरीबंधुकर पुत्र बापा एटा है द्वितीय वर्ष श्राद्धवार्षिक मो बापा साहित्य बापा मो स्ट्रीम अलग थी मो मैनेजमेंट प्रोफेशनल एमबीए बैकग्राउंड तो बापा साहित्य मुझे बुझीपारे कि जी समय बापा सहित बीतई बापा जो कहते तू संवादपत्र पढ़ समाजा पढ़ी मतलब शुणा बड़ पटे मुझे देखे साहित्य समस्त मतलब कौन ओडिया सब्जेक्ट कौन गोटे भावती कि मुझे कह साहित्य गोटे है सबुठ ओडिशार साहित्य जगत को तो बापा बहुत दान किंतु साहित्यटा गोटे बहुत क्रिटिकल सब्जेक्ट मैंने मुझे कहते इजी नुहे समस्त जो भावती साहित्य जी भी करी करदे आमको जब कहु किसी लिखापी आम भी ठीक से लिखि पार्नि कि बापा जो ओडिया साहित्यर इतिहास से बहीटा मुझे जानवर लोक सब ईर पाठ पढ़ुंट इवेन पिजी रे भी पढ़ुंट जो मैंने भी यूपीएससी परीक्षा दूसरे भी से बहीटा को फलो करुँचा सब्जेक्ट जो मैंने रखुंट तो बापा बहुत आगे ये अच्छे। मु डॉक्टर कुलमणि ओझा उपसचिव उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद दक्षिणांचल कार्यालय ब्रह्मपुर। प्रोफेसर बावरीबंधु करंकर मु जणे गुणमुग्ध छात्र एवं विगत प्राय तीन दशंधि ऊर्ध काल धरी प्रोफेसर बावरीबंधु करंकर सहित मु संपर्कित थिली एवं ओडिया समालोचना साहित्य एवं प्रबंध साहित्य को प्रोफेसर करंकर जो असीम अवदान रही जो महनीय अवदान रही ताहा केबे हेले विस्मृत होवार नुहे। ओडिया साहित्य को परिपुष्ट एवं रुद्धिमंत करिबा दिगरे प्रोफेसर बावरीबंधुकर निरवच्छिन्न भावरे साधनारत थिले। विशेष करी ओडिया गवेषणा क्षेत्र रे तांकर निरवच्छिन्न प्रयास जारी रहिथिला। प्राय 6टी सरकारी महाविद्यालय रे अध्यापना करिबा सहित परवर्ती समय रे ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय रे प्राध्यापक ओ प्रोफेसर भावरे से कार्य करिथिले एवं शेषरे स्नातकोत्तर परिषदर अध्यक्ष भावरे कार्य करी कृतित्व अर्जन करिथिले। जणे सुनामधन्य गुणी छात्रवत्सल प्रोफेसर भावरे प्रोफेसर बावरीबंधुकर जेतेकि सुनाम अर्जन करिथिले ततोधिक ओडिया समालोचना साहित्य को परिपुष्ट करिबा दिगरे तांकर निरंतर प्रयास जारी रहिथिला। से ओडिया प्रबंध साहित्य हो ओडिया साहित्यर इतिहास हो नाना आलोचना हो तीनोटी समालोचना हो एवं तांकर जो गवेषणा ग्रंथ ओडिया साहित्य को कामपाल मिश्रंक दान ये ओडिया भाषा साहित्यर गोटे गोटे उज्ज्वल दृष्टांत। आज प्रोफेसर करंकर द्वितीय श्राद्धवार्षिकी एवं प्रोफेसर करंक स्मृति उद्देश्य रे एभली गोटे भव्य आयोजन करा जायछि एवं प्रोफेसर करंकर जो स्वप्न थिला ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति प्रतिष्ठान से प्रतिष्ठान निश्चित भाव आग को किसी महत्वपूर्ण कार्य करिबा ओडिया गवेषणा क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करिबा सौभाग्यर कथा बाणीपुत्र कहिले अत्युक्ति हेबो नै गोटे लिविंग लिजेंड बोली जहाँ को कहा जाए जो समय रे जो विषय रे जहाँ पचारे डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर बावरीबंधुकर अत्यंत अमायिक भावे अत्यंत स्वच्छ भावे जेकोसी विषय जो जगार पचारे सीए तार उत्तर दे पारे एभली व्यक्तित्व एभली साहित्य साधक एभली ज्ञानी प्रचंड बाग्मी ओडिशारे विरल तांकर जो अवदान रही ओडिशार भाषा साहित्य विशेष भाव गवेषणा क्षेत्र में ताबुची ता अतुलनीय एवं तांको आमे प्रकृत श्रद्धाजलि तेब हम जदि आम तांकर जो विभिन्न से जो बही लिखिंट एवं तांकर जो गवेषणा करिसंती ताकू आमे आउरी केमती आकू नहीं कि जीवा एवं
आमर छात्र समाज युव समाज को आहरी केमती ओडिशा साहित्य भाषा को लेकिन आहरी केमती गवेषणा को आहरी आम केमती बल दे पार सेटाई प्रकृत श्रद्धांजलि हेबा।